अधिनियम में तीनों ही प्रकार के प्रतिफलों तीनों ही प्रकार के प्रतिफलों को तीनों ही प्रकार के प्रतिफलों को वैध माना गया है, वैध माना गया है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है। भारतीय अनुबंध अधिनियम कौन सा है? 1872। उसमें तीनों प्रकार के जो प्रतिफल हैं, भूतकाल से संबंधित, वर्तमान काल से संबंधित और भविष्य काल से संबंधित, तीनों को ही वैध माना गया है। लेकिन जबकि अंग्रेजी अधिनियम में, जबकि अंग्रेजी अधिनियम में भूतकालीन प्रतिफल, भूतकालीन प्रतिफल को वैध नहीं माना गया है। ध्यान देंगे, प्रतिफल से संबंधित जो वैधानिक प्रावधान या नियम है उनमें चौथा नियम या प्रावधान है वो इस प्रकार है कि प्रतिफल है वह भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है अथवा भावी यानी कि भविष्य जो आने वाला समय है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का वर्तमान काल से संबंधित वर्णन नहीं किया गया है। प्रतिफल भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल किसी भी प्रकार का हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में तीनों ही प्रकार के प्रतिफलों को वैध माना गया है। तीनों प्रकार के प्रतिफल कौन कौन से? भूत, वर्तमान और भावी, तीनों ही प्रकार के जो प्रतिफल हैं उन्हें वैध माना गया है। जबकि अंग्रेजी अधिनियम में जो इंग्लैंड का अधिनियम है उसमें जो भूतकालीन प्रतिफल है उसे वैध नहीं माना गया है। इस प्रकार से हमने आज देखा कि जो प्रतिफल है उससे संबंधित चौथा नियम या प्रावधान प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भावी किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसका वर्तमान होना जरूरी नहीं है। थैंक यू।